एक कॉमन क्वेश्चन आता है दिवाली के टाइम पे कि मैम हम अपना हेल्थ या फिर वेट कैसे मेंटेन करें। और एक कॉमन चीज़ देखी है मैंने दिवाली के टाइम पे, लोग ये प्लेट सामने रख देते हैं। तो ऐसे टाइम पे आप अपना हेल्थ कैसे मेंटेन कर सकते हो, हम वो बारे में आज बात करने वाले हैं। हेल्थ वर्ड एक है बट उसमें फैक्टर्स चार है, आपका स्लीप साइकिल, आपका हेल्दी ईटिंग, आपका स्ट्रेस और आपका फिजिकल एक्टिविटी। फर्स्ट ऑफ इट, हम जब बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, जैसे कि दिवाली के टाइम पे बहुत सारी चीज़ें होती है, शॉपिंग होती है, बाद में स्नैक्स प्रिपेयर करने होते हैं, तैयारियाँ होती है, तो वो टाइम पे हम सबसे ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ यूजुअली अपनी स्लीप के साथ करते हैं क्योंकि स्केड्यूल हमारा इतना टाइट होता है। तो हमेशा ये याद रखना है कि भले बहुत ज़्यादा नहीं, प्रॉब्ली 8-9 घंटे का नींद नहीं दे पाएंगे हमारे बॉडी को, बट एटलीस्ट आप 6-7 घंटे का स्लीप साइकिल मेंटेन कीजिए। आपका स्लीप साइकिल अगर आप मेंटेन नहीं करोगे तो आपके पूरे बॉडी में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, आपका स्ट्रेस बढ़ जाएगा, आपके हॉर्मोन्स हेवायर हो जाएंगे, आपको ब्लोटिंग का और ज़्यादा इश्यूज़ होगा, डार्क सर्कल्स फॉर्म हो जाएंगे। ये सब कुछ अवॉइड करने के लिए आप अपना स्लीप साइकिल मेंटेन कीजिए। नेक्स्ट थिंग इज़ आपका फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी भी कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं क्योंकि काम के वजह से, जैसे कि जुम्बा है या फिर बच्चों के साथ खेलना कूदना है, क्योंकि बच्चे यूजुअली घर पे रहते हैं दिवाली के टाइम पे और ये साल तो बच्चे घर पे ही रहने वाले, उनके साथ खेल कूद कर सकते हो, वो आपके फिजिकल एक्टिविटी में काउंट हो जाएगा। या तो आप अपने घर से अगर मार्केट थोड़ा नज़दीक है तो आप चल के जा सकते हो, स्पोर्ट्स शूज़ पहन लीजिए और आपका वो वॉकिंग हो जाएगा। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें ना हम कर सकते हैं डेली बेसिस पे, भले ही अगर हम अलग से 1-1.5 घंटा ना निकाल पाए ना, फिर भी हम छोटी छोटी चीज़ें कर सकते हैं जिसके वजह से हमारा हेल्थ मेंटेन रहेगा। थर्ड है ईटिंग। ईटिंग हैबिट्स दिवाली के टाइम पे बहुत ज़्यादा हेवायर जाते हैं। जो सब चीज़ें आ रही है, आपको पसंद है, आपको खाना है, खाइए, सब कुछ खाइए, बट मेक श्योर कि आप थोड़ा अपना पोर्शन साइज़ कंट्रोल करें। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा खा लिया और फिर नेक्स्ट डे ब्लोटिंग, गैस, एसिडिटी, ये सब की दवाई ले आप। तो अगर अभी आपको बाहर जा रहे हो तो आपका प्री प्लानिंग होगा कि आपको बाहर पार्टी अटेंड करना है, उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि पहले से शाम को हेल्दी कुछ स्नैक है, सैलड है या फिर ग्रीक योगर्ट है, ये सब कुछ आप ऑलरेडी थोड़ा खुद को फिल करके जाइए ताकि आप पार्टी एंटर ना करें एकदम ही एम्प्टी स्टमक। अगर आप पार्टी एम्प्टी स्टमक एंटर करने वाले हो तो वो डिज़ास्टर ही होने वाला है वहाँ पर। अगर आप ड्रिंक्स में इंडल्ज कर रहे हो तो वो एक प्रपोर्शन मेंटेन कीजिए कि आप जितना ड्रिंक्स ले रहे हो तो उसके साथ आप इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इनटेक भी रखें, तो आपका ऐसे कट डाउन हो जाएगा, मतलब आप जो ड्रिंक्स लेने वाले हो वो भी। थर्ड थिंग है कि बहुत ज़्यादा फ्राइड आइटम्स जो है वो थोड़ा उसका पोर्शन साइज़ कंट्रोल कीजिए। अनदर पॉइंट इज स्ट्रेस। अगर बहुत ज़्यादा खा लिया तो उसका भी स्ट्रेस हो जाता है, अरे ये मैंने खा लिया बहुत ज़्यादा तो मेरा हेल्दी प्लान है या फिर मेरा जो डाइट प्लान है, फिटनेस प्लान है, एक्सरसाइज वर्कआउट प्लान है, वो सब कुछ डिस्टर्ब हो गया, तो अभी क्या करेंगे इसके बारे में। अगर आपने ज़्यादा खा भी लिया तो एक बार खाया उसके लिए आपको पनिश नहीं करना अपने बॉडी को, एंड नो द कैपेसिटी ऑफ योर बॉडी। आपको पता है कि मेरा बॉडी एक टाइम पे इतना ले पाएगा, तो बॉडी को उतना ही दो। अब जब खा रहे हो बॉडी सिग्नल्स देगा आपको डेफिनेटली कि ओके नाव यू फिल्ड 80% ऑफ योर स्टमक और यू फिल्ड 100% ऑफ योर स्टमक, आप बॉडी के कैपेसिटी के बाहर जा रहे हो। लिसन टू योर बॉडी, इट कैन गाइड यू द बेस्ट, सो मेक श्योर दैट यू लिसन टू योर बॉडी। आई होप यू गाइज हैव अ हैप्पी एंड हेल्दी दिवाली। विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली। थैंक यू। With over 1 lakh medical experts and the facility to teleconsult, experience clinic-like consultations on Practel.